हेलो। हाँ सर, जितना राइट गया राइट आलेत का तुम्ही बर येतो येते। हर्षल, एक हैरियर है सिल्वर कलर की, 3 साल पुरानी, उसको ब्लैक करना है तो उसका वीडियो बना लेते। हाँ चलेगा। हेलो सर। हेलो सर। ओके। हेलो सर। अभी डिसाइड किया है कुछ कि ब्लैक कौन सा करना है, क्या करना है? हाँ ओके, ब्लैक एडिशन है। अच्छा, ओवर ऑन ब्लैक। ओके। दो पैनल रिपेंटेड है, इधर का एक रिपेंटेड है, टिक्की ये डुअल टोन पेंट किया था। ठीक है सर, पूरा गाड़ी ब्लैक करना है, अलॉय व्हील सबको कुछ करना है, ब्लैक ही करना है उसको, अलॉय व्हील ब्लैक करना है। क्रोम वैसे ही रखेंगे, बॉडी पूरा पेंट करेंगे, अलग अलग पेंट करेंगे। ब्लैक के साथ क्रोम अच्छा लगेगा थोड़ा। ओके। मिनिमल क्रोम है ना, एकदम स्ट्रेट है। ठीक है सर, इसका कोटेशन बना के देता हूँ आपको। मनीष का बोलूँगा, आप इसे जोड़े पार्ट से सभी कार्ड बनाओ बाहर। ठीक है, ठीक है, बस हम बैठे ना। तुम्हारा ब्लू टिंट दिसत असेल, एकदम डार्क ब्लू है, नेव्ही ब्लू। और बाकी कार से कलर थोड़ा अलग है, ब्लू टिंट जिसमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव डिफरेंशिएट्स दिस कार फ्रॉम अदर डार्क एडिशन कार्स। इफ यू वांट, जो नीचे का रूम क्रोम है ना, उसको इसमें पूरा ब्लैक आता है, तो रखना है क्रोम तो रख सकते, नहीं तो उसको भी ब्लैक क्रोम ही रखेंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखेगा। ठीक है, वो सिंगल पट्टी है वैसे, वो अच्छा दिखेगा उसको। ये पूरा इसमें ब्लू टिंट आएंगे। ओके ओके। वगैरह ब्लैक, वगैरह ब्लैक। इसमें एडवांस देना है? हाँ हाँ। ये पूरा विजिबल सेक्शन पेंटिंग का आपका है कॉस्ट, इसके बाद आपके गाड़ी में होगा अलॉय व्हील पेंटिंग, कैलिपर पेंटिंग, कैलिपर कैंसिल करना है, और इंटीरियर क्लीनिंग। ये 52 प्लस जीएसटी इसमें है। फ्रंट दो भी करना है वैसे तो कर सकते हैं, चारों में से हटा देंगे, फिर फ्रंट दो करना है आपको तो उसमें वो भी कर सकते हैं। और फिनिशिंग वही कोई आएगा ना, फिनिशिंग एग्जैक्टली सेम। ये नीचे का पार्ट सिल्वर में आता है, वो भी ब्लैक करना है? हाँ, पूरा 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 टोटल ब्लैक। ओके। तो आपका पूरा एस्टिमेट जो है 152 होता था, 150 कर दिया उसको। ओके। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 75 में आई, 1 लाख कर दिया। ठीक है, इस पर से एडजस्ट कर देता हूँ। सेकेंड, जब पूरा गाड़ी का प्राइमर होगा, आपको पूरा फोटोज वगैरह आते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो भी अमाउंट रहेगा ड्यू वो पे करके, लास्ट में जो फाइनल अमाउंट रहेगा 25,000 रुपीज़ लास्ट में पे करना है। और इस पर सिर्फ और कुछ इसमें एक्स्ट्रा सर्विस ऐड होती है या कुछ काम बढ़ता है ओपनिंग के टाइम पे, या कुछ छोटा मोटा पार्ट लगा तो फिर उसका इसमें ऐड करके मंगा सकते हैं। जब पूर्ण पीडीएफ फॉर्मेट में तुम्हारा पूर्ण एस्टिमेट बनो, यून जानता। ओके सर। थैंक यू। लागो भैया, कानो भैया आपको बुला रहे थे। वो सफारी नीचे आई है ना जो ब्लैक करनी है? सफारी है वो, हैरियर जो आई है ना जिसको ओवरऑल ब्लैक करना है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है, तो आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ, कस्टमर की इंक्वायरी हैंडल कर रहा था, फोटो खुल रही है 15 मिनट हो गए, हमारा इंटरनेट बहुत सुपर फास्ट है। क्या चल बेटू, ये गाड़ी हमारे पास आई है कम्प्लीटली ब्लैक करने के लिए। तूने गाड़ी पहले देखी है? नहीं। छत और पिलर इसके जो हैं वो पेंट करवाए हैं, मुझे ये नहीं मालूम कि शोरूम में हुए हैं या बाहर हुए हैं, बट काम जो है वो अच्छा नहीं हुआ है। सिमिलरली ये साइड अगर तू देखेगा ना, तो यहाँ पर बहुत सारे पैचेस है, और ये डोर वगैरह में भी फिनिशिंग बहुत ख़राब हुई है, देख क्लोजअप में। यहाँ तो एक अलग सिल्वर का पूरा एक पैच है। स्पॉट रिपेयर किया होगा यहाँ पे? स्पॉट मुझे नहीं लगता स्पॉट रिपेयर है, ये सैंड करके ना इधर आई थिंक बेस कोट को सैंड करके क्लियर चढ़ा दिया, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आया है। इतना क्लीन स्पॉट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे हालत देखना, यहाँ तक देख कैसे दिख रहा है बीच में, पूरा बेकार का भी पेंट काफी खराब क्वालिटी का है। बिडिंग वगैरह पे भी बिना देखे कहीं भी कलर चढ़ाया हुआ है। कस्टमर को गाड़ी कस्टमाइज करनी थी, इसलिए ही इज गोइंग फॉर अ डिफरेंट। हां, उन्होंने हमारा अर्टिगा वाला वीडियो देखा, एंड आई एम आल्सो एक्साइटेड कि मतलब ब्लैक में सुंदर लगेगी। हमने तो देखी है, मतलब ब्लैक में लगती है बहुत अच्छी गाड़ी, तो वही वाला ब्लैक करना है जो टाटा में आता है। मजा आएगा इस प्रोजेक्ट में। तूने उधर एक छत पे खड़े होके स्पॉट देख, एक वहां पर कैसा है
जैसे किसी ने कलर मारते हुए उंगली रख ली हो यहाँ पे ना, तीन चार छपके ऐसे जैसे किसी ने दबा दिए उसको। नहीं पेंट में तो बहुत डिफरेंस है, ये मतलब क्या किया है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, पूरे पिन होल्स भरे हुए हैं। सॉल्व करते हैं ना, बिडिंग वगैरह पे भी पूरा कलर चढ़ाया हुआ है। हम तो प्रॉपरली ओपन करके इसको पेंट करने वाले, तो फिनिश बहुत ही अच्छी आएगी इसकी, बहुत सुंदर लगेगा। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पर उससे पहले बात कर लेते हैं स्पॉन्सर की। स्पॉन्सर नहीं है इस वीडियो में? नहीं है, गरीब हो गए। छत तो यहाँ पर हाथ का पूरा दाग लगा है, क्लोजअप में दिखा, एक दो तीन, दो बड़ी उंगली और एक थंब इम्प्रिंट टाइप है। और ये जो फिनिशिंग भी किया है ना, बहुत मतलब नहायत ही बेकार फिनिश किया है। सुधारेंगे अभी इसको पूरा, ठीक बढ़िया से बनाएंगे इसको सारा।
करिए, जैसे डार्क एडिशन अभी आप लेकर आए हो? यस यस, नया गाड़ी और जो YouTube पे देखा था उससे बढ़िया रिजल्ट है। हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं, जितना अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सके उतना करें। yes, फुल डेडिकेशन है आपका बहुत सर। हमारी पूरी टीम उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करती है। आपके लिए एक लाया था। अरे सर प्लीज, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या होता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे लगने लगते हैं ना हमें भी, जैसे हैरियर पर्सनली मेरी फेवरेट गाड़ी है। yes, मेरे को बहुत पसंद है। वो आपने बोला था वीडियो है ना, मेरे को बहुत पसंद है। तो जब ये गाड़ी आई थी मैं था नहीं, मेरे ख्याल से मेरे भाई ने रिसीव किया था आपको। तो उसने बोला कलर चेंज के लिए आई है, तो मैं तभी छूटते उससे पूछा मेरे को कौन सा कलर, बोला डार्क एडिशन वाला। मैं बोला अरे बहुत ही बढ़िया। नहीं आपका जो वीडियो था उसमें मैंने डिसाइड किया था कि डार्क एडिशन ही चाहिए। And the car is very nice, sir. Very हम nice, हम वही बोलते हैं कि गाड़ी बनानी है तो अपने टेस्टफुली अपने हिसाब से बनाओ। yeah. आपने भी जो कलर चूज किया वो गाड़ी पे क्या बोलते हैं उसको लुक को एक्सेंचुएट करता है। yes, yes. बीस्टी लुक है गाड़ी की। yes, yes. डार्क कलर उस पर बहुत प्यारा लगता है। बाकी आपको अच्छी लगी गाड़ी? बहुत अच्छी। अभी एक बार बाहर निकालेंगे, आप बाहर इसका लुक देखना एक बार। हाँ, वो तो देखना ही है। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा काम बचा है बस इसमें। एक महीना रह गया, मतलब एक महीना हो गया ना, तो कब देखूं? अब रहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा। टीम आपसे सबसे बढ़िया टीम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इसलिए पूरा हो सकता है, अकेले से नहीं हो रहा है। नहीं सर, अकेले बंदे की बस की बात नहीं है। इसमें हर एक बंदे का उतना ही डिटर्मिनेशन लगता है। यस यस, हाँ हाँ हाँ। Okay. अभी यहाँ से नियर अबाउट 600 किलोमीटर मेरा गांव है, राइट right. उदगीर। हाँ। फिर भी हम लोग ओनली यूट्यूब पे जो वीडियो देखे वो देख के ही आए। एक दो बार किया था मैंने, लेकिन ऑथराइज सर्विस सेंटर कंपनी की वहाँ से भी काम करवाया, आई वाज नॉट सैटिस्फाइड। तो हमने ये सजेस्ट किया, बस वीडियो देख के वो इतने खुश हो गए, वो आगे। चलो वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। आई होप आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। गाड़ी एक बार बाहर लेते हैं, मेरा थोड़ा बहुत काम बचा है, आप ऊपर बैठिए, मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। okay. कुछ खाना है तो आप बोलिए, मैं ऑर्डर करता हूँ। गाड़ी देखिए पेट भर गया। अरे सर प्लीज, आप ऊपर बैठिए, मैं कॉफी भिजवाता हूँ आपको। okay. जैसे काम खत्म होगा अल्कोहल। okay, गाड़ी देख ली आपने? हाँ गाड़ी देख ली, बहुत अच्छी। काम में एक्सेल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है कहीं से भी? कोई वही प्रायोरिटी है और वही मतलब आपका स्पेशलाइजेशन है। और इससे क्या होता है कि जो आगे का कस्टमर है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है। पैसा हर कोई खर्चा करता है। यस, मगर सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत बड़ी बात होती है, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं कोई भी है। मैंने तो दो बार गाड़ी रिपेंट की है लेकिन मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था। बाकी कलर का जो नॉलेज है, कलर जो भी अभी रिसेंटली मैंने एक दो फोटोज के वीडियोज देखे, मतलब अमेजिंग कलर बना के दिया उन्होंने। और जो भी ऑडी के कलर वाला जो ग्रे कलर वगैरह उन्होंने यूज़ किया, मैचिंग का आपने हमारा पेंट वो तो देखा है उधर, पेंट शॉप भी है पूरा मैचिंग का, प्लस कंपनी का एक आदमी रहता है यहाँ पे। कंपनी का आदमी? हाँ कंपनी का, वो सुबह मतलब है मैच स्पेशली मैचिंग के लिए ही रहता है, डे वन से है, स्टार्टिंग से ही है कलर स्पेशलिस्ट। हाँ वो हमारा तो आदमी है ही है, हमारा मैचर तो है ही है, हमने अपॉइंट किया हुआ है। प्लस कंपनी का एक आदमी रहता है जो सीनियर मोस्ट आदमी है, जिसको नॉलेज है, अगर कहीं मैचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई कुछ हुई तो वो करता है। अभी ये गाड़ी देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये गाड़ी पुरानी, मतलब रीपेंटेड है। एक्चुअली इनका जब गाड़ी लेना था, ही वांटेड यूनिक कार इन द सिटी, तभी से हैरियर जस्ट लॉन्च हुई थी उन्होंने। हैरियर बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी। अभी ब्लैक एडिशन इनको जब से है तो ब्लैक एडिशन करना है। मैं जब गाड़ी लेना चाहता था तब एक ही कलर अवेलेबल था, मैंने मजबूरन कलर ले लिया। बाद में कहाँ से हैं आप? अभी लातूर से। आप लोग लातूर से आए हैं?
ब्लू टोन नहीं दिखेगा। अरे अच्छी लगी बस वो मैटर करता है, हम खुद अपने काम से सेटिस्फेक्शन हो उतना हम भी कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें। मैंने बहुत बढ़िया, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना गाड़ी। अरे सर प्लीज, और शोरूम में भी जो गाड़ी बाहर निकलता है हाँ। इतना क्लियर मतलब फिनिशिंग नहीं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, देख के कोई बोलेगा नहीं कि गाड़ी रिपेंट हुई है, शोरूम वाले भी नहीं। आप लेके चले जाओ बोलेंगे डार्क एडिशन है सर, आपने लोगो कहाँ गया आपका, मैं आपको लिख के देता हूँ आपको, ये नहीं बता पाएगा कोई। शोरूम वाले भी जो काम नहीं कर सकते वो आपने कर दिया। थैंक यू सो मच। आपके पिताजी हैं हाँ जी, उनसे ये करना है, ये बुके वगैरह देना है। अरे सर मैं अभी बोल देता हूँ, पापा को बुला ले, नीचे आ जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बहुत अच्छा है, जो मैंने सोचा भी नहीं था इतनी अच्छी गाड़ी बन जाएगी। फिनिश तो कंपनी से बेहतर है, कंपनी इतना फिनिशिंग नहीं दे सकती कभी भी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत फिनिशिंग, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब गाड़ी रीपेंट है। फोटो लेना है दीजिए, वो दोनों लेते हैं ना। श्री श्री सर, मैं तो मेरे को दे दिया, मैं गुलाब लगा के घूम रहा हूँ। आप भी लगा दीजिए। थैंक यू सर, ये हमको देना चाहिए मगर आप हमको दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। बहुत 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 मुबारक है आपको, विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये रही सर आपकी की, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो दोबारा जरूर बताइएगा, जब भी हमारी हेल्प लगे कभी भी आ सकता हूं मैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द टीम।